मेट्रो को पहली बार शहर की धरती पर चलाकर देखा गया। मेट्रो को असेंबलिंग एरिया से निकालकर उसे डिपो के अंदर ही ट्रैक पर चलाया गया। इसके साथ ही सिग्नल के साथ रुकने चलने का परीक्षण करने के साथ ट्रेन के अंदर से ही इसके दरवाजे खोलने और बंद करने की चेकिंग की गई। पिछले महीने के अंत में मेट्रो की पहली ट्रेन के कोच कानपुर आए थे। इन तीनों कोच को उसी समय उतारकर असेंबलिंग एरिया के अंदर ले जाया गया था। इसके बाद से इसके तमाम पुर्जों को असेंबल करने का काम चल रहा था। साथ ही ट्रेन के कई उपकरणों की चेकिंग की गई। सारी चेकिंग पूरी करने के बाद सोमवार को इसे चलाकर देखने के लिए असेंबलिंग एरिया से बाहर लाया गया। इसे डिपो के अंदर ही ट्रैक पर चलाया गया। शाम से रात तक मेट्रो को ट्रैक पर अलग अलग स्पीड पर चलाकर देखा जा रहा था। मेट्रो डिपो में गुरुवार से करंट की आपूर्ति शुरू हो जानी थी, इसलिए गुरुवार को ही मेट्रो ट्रेन को चलाने का समय तय किया गया था। लेकिन रिसीविंग सब स्टेशन सोमवार शुरू नहीं हो सका और दो जेनरेटर के करंट से मेट्रो को चलाया गया। मेट्रो को यूं तो अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से परीक्षण के दौरान इसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर देखा जाएगा। सोमवार को पहले ट्रायल में मेट्रो की गति 5, 10 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा रही। डिपो के अंदर से इसे अधिकतम 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया जाएगा। UPMRC द्वारा काफी तेज और व्यवस्थित तरीके से मेट्रो का कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कानपुर वासियों को दीपावली पर मेट्रो का तोहफा मिल सकता है। कानपुर में मेट्रो के पहले सफल ट्रायल पर MD कुमार केशव ने बधाई दी है। मेट्रो की दूसरी ट्रेन के तीनों कोच मंगलवार सुबह कानपुर आए थे, जिन्हें प्रोजेक्ट निदेशक के ऑफिस के सामने बनाए ट्रैक पर उतारा गया था। दूसरी मेट्रो के कोच शहर आने के बाद उन पर से कवर भी हटा दिए गए थे, तभी वहां मौजूद टीम के साथियों को इसे देखने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।